मेरे बाल का माफ कर सानू खुदा वंदा, माफ कर असा सारे की रहम कर सन सारे पर, माफ कर सानू खुदा वंदा, तैनू शाने बचाई रखे आदि रात मां पीर दा वास्ता आई। मेरे मौला माई फातमा ते बाप नी जिस नामा उस जन्म असीन दा वास्ता आई। खुदा जिसने दीन गर्दन कटा छोड़ी सैयद साबर होए शबीर दा वास्ता आई। मेरे मौला ओ छटा कर्म दा मार दा फार मेरे ओ दुखी सुगरा दलगीर दा वास्ता आई। खुदा ओ मासूम सकीना जो बाप कारण रही बगादी उस मीर दा वास्ता आई। तकया कोई अर्जी तेरी फिदा मंजूर करिया सारे मकसद उस नबी का जिक्र खैर जिस नबी की उम्मत दाखिल होने वास्ते नबियों भी दुआ की। हजरत आदम अलैहि सलाम तो लैके ईसा रूहुल्लाह तक नबियों की आमद दो बड़े पैगाम देने रहे अपनी अपनी उम्मतों की। एक तो दस्से तौहीद, दूसरा ये पैगाम नालों नाल देने रहे कि आखिर जमा एक नबी आसी जहां सारे नबियों का सरदार हो सी। वैसे हदीस शरीफ जिक्र असाबिया पूछा यार सुनला तुसा नबी ने कदों हो, आपने फरमाया जिसल आदम मट्टी पानी भी सी मैं उदू ना नबी हाँ। इसे नए हवाले लाजपाल साउंड सर्विस राजा जरीफ साहब और मंजूर साहब की तरफों चौधरी अमजद साहब तशरीफ रखने उनकी सारी तरफों भी वेलकम जी वो तशरीफ ले आए। मैं मरहूम एक शायर और उस शहर में जरा 30 साल मिलाद नी महफल और खड़ी शरीफ नी महफल इन्ना इनकाद करना रहा। अल्लाह पाक इस महफल ने हवाले लाल उसकी जवारे रहमत की जगह ना फरमाए। मेरी मुराद है बाबू गुजरफर अली सजाद मरहूम मिलाद ने हवाले लाल उन्होंने शेर आ मेरे आल जा दोस्तों सुनो पैगाम मेरा ते कबूल कर लेना सलाम मेरा।
ਖੁਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੀਤ ਕੀਤੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੱਠਿਆਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਗੀਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸ ਜ਼ਾਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਜ਼ਮ ਪਾਕ ਸਜਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ जाने दा शुक्रिया है मेरे दोस्तों ओ जिसने की इताद हजूर दी अतीउल्ला व अतीउ रसूल जिसने की दी ओए इताद हजूर दी राजी उस पर जात गफूर दी पर गल सजान बड़े दूर दी है अज मिलाद मनाने का शुक्रिया है लजपाल साउंड सर्विस प्रोपराइटर साढ़े भाई साढ़े मोहतरम जरीफ साहब इन्होंने सबर की नजर एक शेर मरम मकफूर राजे अफजल आमिर सरकार ना नाथ ने जिम्मे शेरा कि जिस वक्त सरकार ने आमद हुई कुफर शिरक का दौर सी ते के होया राजा साहब कलम शाही करने मेरे आलिया ओ दुनिया बदली दुनिया ने आप देखी दुनिया बदली दुनिया ने आप देखी चार कूट विच होया बना दिया जानवरां दरख्तां ते पत्थरां वी गल्लां नाल हजूर दे कीतियां ने इत्तमाई तौर ते जितने भी अंबिया आए अल्लाह पाक किसे ने किसे अंबिया की मौजात अनायत फरमाए ईसा रूह अल्लाह कोड़िया की ठीक करने से मुर्दियां जिंदा करने से बहरहाल हर नबी का अपना अपना सिलसिला सी लेकिन नबी पाक फखरे मौजूदात सरवरे कायनात ताजदारे हरम आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विच सारे नबियों दी खूबियां पाईया जानियां सन सारे नबियों दी खूबियां पाईया जानियां सन जे पत्थरा किया करने से तो कलमे पढ़ने से जे दरख्ता की इशारा करने से तो नबूवत की गवाही देने वास्ते आ जाना सा उस नबी निशाने मुतारा मेरे आल जा ओ मुजम्मल यासीन सूरत आल जा तो मुजम्मल यासीन सूरत सूरत पाके नूर अला नूर दिए शोरा ग्राम में बैठे हुए कदम कदम में
मैं माड़े मोटा लिखने के ना दुकड़ बिंग भी शामिल बीच करी कि आवे क्योंकि बार दफा तू गल करो तो अपने जी शहर पर राजी और गल की इस वास्ते अद्धा जा बिंग भी शामिल करावे कदा कदा शोराए कराम चंद नाल तशबीह भी सरकार की चाहिए दे देखो तशबीह तो दी जानी जी अफादियत भी ज्यादा है असल तुसा ने दंदा की तशबीह मोतियां तो दे सकते हैं मोती चमकदार होने चल नहीं क्या जाना सरकार यह इशारा करने दो टुटे हो जाना अस ये गल आखी सकने कि गल आखी सकने हजूर सफर करने पे वैसे तो वो नबी उस से जिस आदम ना मिट्टी पानी भी सी लेकिन उम्र ने तकाजे नाल जामा बशरियत ही जड़े आए छोटी उम्र भी जाने पे अबू लहब नी सवारी आई रिश्ते चू चाचा से तब्बत यदा बी लहब व तब है जी तो उस ऊठनी अपनी बड़ी तेज रो सी किसा किसा दौरी जिस पजारों पर कोई बैठा होना सा पता लाना सा ये सरदार आ उन्हें सरदारों को उठनी नहीं भी नहीं नसल सी पता लाना सा ये सरदार आ उठनी की बिठाया तो सरकार की आख्या मेरी कमर पीछे सवार हो जाओ तो माड़ी कमर की मजबूती नाल पकड़ा है कि उठनी तेज टुरनी डिगी पियो डिग पियो तो सरकार सवार हो गए अब गुलाब एड़ी मारी उठनी की उस उठने तू इनकार कर देता दोस्तों अगर सरकार पत्थरों का इशारा करने जिन्होंने जबान भी कोई नहीं तला उन्होंने जबान चाहिए देना इसलिए जबान थी सी कुलते कोया ही अता कर दी थी बोलने की ताकत अता हो गई उठनी एक लाखी बोला वक्ती मालक तो तू महाए दो जहान ने सरदार तू अपनी कंडी ने पीछे पाले में एक गुस्ताखी में बर्दाश्त न कर ली मैं कयामत दी ना उठनी सरकार की एक बात फिर माड़ी रफ्तार तक गई है ये सरकार निशान है दूसरी गल करने तो बाद मैं पीर साहब की नज़र एक शेयर कर सा फिर मैं थोड़ा जा चैनल तब्दील कर सा चूंकि टाइम मेरे को थोड़ा है दो रवायत हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला नो और माई फातिमा तुज़्ज़हरा रजी अल्लाह ताला नो उन दो रवायत चू एक रवायत है कि रोटी पकाने पे से तंदूरे लाल पेड़ा लाने पे से नबी पाक आए उन्हें आख्या फातिमा ज्यादा रवायत बेटी पकानी पे सी फातिमा एक पेड़ा मिगी भी दे मैं रोटी ला जिस रोटियां सारिया पकी गई सरकार जी लाई सी ना पकी फातिमा तो सारा रजी अल्लाह ताला होर पालन पाया हो शायद तंदूर ठंडा हो गया तो सरकार मुस्कुराना शुरू कर देता पूछा बेटी ने बाप कोलू वारसे कायनात कोलू सरकार मुस्कुराए क्या हो फातिमा तू सोचनी है कि तंदूर ठंडा हो गया गल ये नहीं इसकी कमली वाले ना हाथ लगावा इसकी दोजख की आग भी नहीं पकाई सकनी इशाने मुस्तफा है हूँ मैं उस शेर बावे और नज़र कर रहा हाँ जरा मिकी सरकार ने रोजे पर पढ़ना नशा भी मिलया मैं शेर सरकार ने रोजे पर पढ़िया इस वास्ते मैं हर महफिल पढ़ना आया नबी फरमाने मेरे रोजे पर जिसने सलामी की थी जहन्नम निया का राम है जिस माड़े रोजे की प्यार न तकिया कल क्यामत आले दिन मेरी शफात उस लाजम है ये बड़ी गल है सुभान अल्लाह जी
माशाल्लाह सरकार ने दीवाने आते हैं वो वही जिनको सरकार बुलाते हैं, बात यही है। लाल जा सरकार ने रोजे पर पढ़ना नशार मिलाते इंतजार इस तरह क्या है कि या हजूर कबूल फरियाद कर आए मेरा रोजे ते आवनू दिल करता तशरीफ रखी उथे पलका छावन दिल करदा कमली वाले जानी रोज आए रसूल दी चुम के दे मुण मुण अखा नावन दिल करदा हो के दो सानू बह के बिच कदमा वो दिली दुखड़े सदावन दिल करदा कमली वाले तड़प तड़प के मर जावन नू दिल करदा ते अनफिता होए मदीने ने टुरा जद्दू वो कफन दीराला पावन नू दिल करदा लाल जा हुण जिसले पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह मुड़े ना आज पूरा करीता बाबा जी ते सरकार एयरपोर्ट पर पहुंचे ते मुरीदैन ने इस्तकबाल कीता तो सरकार अंदरों निकले तो रोने रोने निकले ए फिलबदी शेर एयरपोर्ट पर सरकार ने लिखा वा मैं मोहब्बत ना सुनाना आया तो रोने रोने निकले असा ना ए अकीदा है जड़ा भी उमरा तो हज करी उड़ा असा अखा पर प्यार देने हाथ चुमने मथे पर प्यार देने इस वास्ते के जिन अखा ने दिल भर डिठा वो अखा तक लिया मेरे अलजा सरकार रोई जो एक मुरीद ने जसारत की पीर साहब आज तक उमरा तो हज करी तो मुड़े हो आज भी रोने हो पे आखिर रोने ना मुद्दा क्या सरकार फिलबदी शेर आके आता है आ फरमाने अरे पूछो ना कैसी रहमत का खजीना छोड़ आया हूँ ओ मुझे रोने तो मैं जन्नत का जीना छोड़ आया लिखना केड़ी गल मैं कुर्बान मदीने ने आया सायरा तो ਤੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆ ਕੰਨਿਆ ਤੇ ਤਕਰ ਬੁਲ ਬੁਲਾਵਾ
राजा असा भी अकीदत मानता तो तुसा भी पीर फकीर भी मनने वाले हो। पीर नसीरुद्दीन नसीर अहमदुल्लाह ने एक दो बोल और मैं सुनाना है। ये बोल जो बैटरियां चार्ज करने सारिया जो सारिया बैटरियां रूहानी तौर पर डेड हो जाए ना यही बोल होने फकीर ने जो बैटरी की चार्ज करने और कोई तरीका नहीं चार्ज करने आ। पीर साहब फरमाने पे पीर नसीरुद्दीन नसीर अहमदुल्लाह ने हरे दिल में किसी को बसाया न जाएगा, जिक्र रसूल दिल से भुलाया न जाएगा। दो बोले सरकार ने मैं पेशे खिदमत करना चाहना आ फरमाने इस तरह लिखे आने बिस्मिल्लाह। दिल में किसी को बसाया न जाएगा, जिक्रे रसूल दिल से बुलाया न जाएगा, जिक्रे रसूल दिल से बुलाया न जाएगा। वो खुद ही जान लेंगे जब आया न जाएगा, हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा। बंदे की लटाया हुआ गर्म रेत पर छाती पर गर्म पत्थर रखे गचन अथा पर मेखा मारिया गचन फिर पूछा गया इसके मोहम्मद ही नाल ऐसे पीर साहब आने कहते थे ये बिलाल तशद्दुद पे कुफर के, कहते थे ये बिलाल तशद्दुद पे कुफर के, कहते थे ये बिलाल तशद्दुद पे कुफर के। इश्के नबी तो दिल से मिटाया न जाएगा, इश्के नबी तो दिल से मिटाया न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, जिक्रे रसूल दिल से बुलाया न जाएगा। मानेगा उनकी बात खुदा हशर में नसीब, मानेगा उनकी बात खुदा हशर में नसीब, फिर मुस्तफा खुदा तो बनाया न जाएगा। मानेगा उनकी बात खुदा हशर में नसीब, फिर मुस्तफा खुदा तो बनाया न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, जिक्रे रसूल से बुलाया न जाएगा। मेरे दोस्तों इतना ही आने ना आरफे खड़ी शरीफ, चूंकि मेरे को टाइम थोड़ा है मैं
माजरत नाल मैं अपने टाइम लिमिट प्रोग्राम खत्म कर सा उस तो अगर ना जाना चाहा जिस हाल इंतजामिया इशारा कर सी मैं अलविदा ना बोल पड़ी सर सा क्योंकि मैं हूँ घड़ी तो कोई बदी लोगों को मोबाइल इंतजामिया ने बैठे पीर साहब ये मोहम्मद आरिफ अकड़ी शेख ईसा बोल फरमाने पे सरकार निशाने मुताला विच आने कमले कदा एक गल सोची ले कि जिसनी उम्मत ही दाखिल होने वास्ते नबियां दुआवां कीतियां अल्लाह पाक तुसा की उसनी उम्मत ही च पैदा फरमाया इस तू बड़ा शर्फ केड़ा आ कि नबी भी रोने रे अल्लाह ए नबूवत पैगंबरी नहीं चाहिए असल की उम्मत मुहम्मद ही च पैदा कर तो सरकार फिर फरमाने पे वेलकम जी आओ बड़ी तो साढ़े मेहमान वैसे तशरीफ रखने तो स्टेज पर आए बिस्मिल्लाह वेलकम सरकार आने आ फरमाने नेकी दा किसे मान में हो फरमाने आने जल पी चिली साढ़े भाई चौधरी इश्तियाक साहब चौधरी आसफ साहब चौधरी इम्तियाज साहब चौधरी जैद साहब चौधरी साबर साहब आत सतगुरु अरवाड़ी नादरे जिम्मे बोल इना सवाल की नजर सरकार आवाज देने आने इो जा नबी ओ जिना दा वाली क्यों तो दुख वाल सरकार आवाज देने ओ दुनिया के जन आए रियो ए घड़ी अभी न तो मामा ओ कफाने
बात दौरानिया टोटल दस मिनट है कि चिट आई इसे दो ना दिया बोल तो आखिरी अलविदा ना बोल पड़ सकते चूंकि इंतजामिया ने जिस आर्डर आ जाए ना फिर मनना पैना चौधरी इश्तियाक साहब चौधरी आसफ चौधरी इम्तियाज चौधरी जैद चौधरी साबर पीर नईम शाह साहब हक सच ग्रुप मरी हरवाड़ी इन्होंने मुहब्बत है इन्हें बोल फरमायश की भाई साबर होर मैं दो बोल पढ़ना चाहता चूंकि ना तो सिलसिला शुरू होया दो चार बोल पढ़ी तो नाल आखिरी मैं अलविदा ना बोल पढ़ सा और मैं अपने बहता ना रंग पढ़ सा चूंकि सारी सकाफत है तो फिर भी हमारे ला उसका मतलब यह असा तुसा जिसलै शादी करने या साढ़े घर कोई कुसा ने घर अल्लाह ताला बच्चा देना बड़िया खुशियां मनाने टोल ढमके शेरा ना प्रोग्राम और कोई जोड़ा शुगल होगा कवाली शाली कराने किसा आलम को मौलवी को फतवा ना किन्ने वास्तव जाने ये जी जो असा कम किया बच्चा पैदा है खुशी मनाई जाएगा तो जिसलै मिलाद यारा बनानी आ गया फिर लोगों को पूछना शुरू करी देने ये ठीक है या गलत है किधर जुल्म आ जाए नबी की खुशी तो अगर कड़ी खुशी है आने आने बच्चा तेरे का रोया खुशियां मनाए ओ मेरे सरिया बच्चा तेरे का रोया खुशियां मनाए नबी दे मिलाद बारे नबी दे मिलाद बारे पूछना पूछाना है बच्चा तेरे का अर्श वालिया ने ताकुले खुशियां मनाइया नी अर्श वालिया ताकुले महफिल सजाइया नी खुद रख के दिल विच खुद रख के दिल विच मोहम्मद नबी दे मिलाद बारे पुछड़ा पुछाड़ा है I'm not afraid.
बोला बड़ा बहता ना तो नाल ही फिर इजाजत करें बिस्मिल्लाह जी छपा छपा अंगीकार जोड़ते खाली अंगीकार मैं लहती मशकूर ममनून हाँ तुसा सारे ना मुहब्बत और अकीदत लसरे हो इस महफल शरीक होने हो और महफल का रंग दुबाला होना सरकार ने सदका है सारे रंग आने पे मैं सैली इंतजामिया ने भी नहत मशकूर ममनून हाँ जहाँ ये नकाद करने अल्लाह तला असा तुस सारे की तौफीक दे इस मजमे और उपर उपर मजमे शामिल होने नहीं और अकीदत मना नाल रली का ये जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने नहीं ते बोला बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ਚੰਗਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਜੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ